एंड वेलकम टू मॉम्सी किचन। लॉकडाउन चल रहा है और हम बाहर जा नहीं सकते, तो क्यों ना घर में रखी कुछ चीज़ों से आज हम बनाएं मार्बल केक। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है और बहुत ही आसान है। देखने में लग रहा है टफ है मगर है बहुत आसान। इसे बनाने के लिए लेंगे हम 1 कप मैदा और 75% तक उस चीनी और घी लेंगे, यानी मैदे से थोड़ा सा कम। साथ में आप 1 कप दूध ले लें और 2 चम्मच कोकोआ पाउडर, थोड़ा सा विनेगर, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, उससे थोड़ा सा कम सोडा और वनीला एसेंस। तो इन चीज़ों से ही हमारा ये केक तैयार हो जाएगा। अब मिक्सी जार में आप सबसे पहले घी, चीनी और दूध को डालकर उसे 15 से 20 सेकंड तक चला लें। एक अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पेस्ट तैयार करना है और इसे एक बाउल में निकालना है। तो बाउल में आप सारा पेस्ट पहले निकाल लें, फिर हम इसे 2 हिस्सों में बांट देंगे। अब एक बाउल लें और उसके ऊपर छन्नी रखें और उसमें आप मैदा डाल दें। साथ में आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दें और इसे अच्छे से छान लें। इस तरह से सोडा और बेकिंग पाउडर इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो अभी हमने पूरा छान लिया है। अब हम उस बैटर में मैदे को मिला देंगे। तो सारा बैटर आप धीरे धीरे करके इस तरह से डालिए और इसे बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक आप फेंटिए, इसमें कोई लम्स ना रहे। को बनाते समय इसकी कंसिस्टेंसी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो 3 से 4 मिनट तक फेंटने के बाद ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगा। पर ये अभी थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा दूध 3 से 4 चम्मच तक इसमें डालेंगे और उसे दोबारा अच्छी तरह से मिला देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे केक आपका उतना अच्छा बनेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच विनेगर और साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बट ये ऑप्शनल है दोनों चीज़ें। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। तो आधे बैटर को मैंने कटोरी में अलग से निकाल दिया है और आधे बैटर में अब हम 2 चम्मच कोकोआ पाउडर इस तरह से छान कर डाल देंगे ताकि इसमें भी कोई लम्स वगैरह ना जाए। और इस तरह से छानने के बाद इसे आप अच्छी तरह से फेंट लें। कोकोआ पाउडर डालने के बाद जब हम इसे फेंटते हैं तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इसे उसी कंसिस्टेंसी में रखने के लिए इसमें फिर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो बहुत पतला नहीं होना चाहिए बैटर, तो इस तरह से थिक होना चाहिए। अब हम केक टिन के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे जिससे केक नीचे चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से चारों तरफ घी लगाने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मैदा और इसे चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से टैप करके इस तरह से फैला दीजिए। अब सबसे पहले हम वाइट बैटर इसमें 2 चम्मच डालेंगे और इसे पूरी तरह फैलने देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कोकोआ पाउडर वाला बैटर, यानी कि चॉकलेट बैटर। इसे भी इस तरह से अच्छी तरह से फैला दें और फिर दोबारा से उसी तरह से वाइट डाल दें और चॉकलेट डाल दें। पर इसे आप टैप करना बिल्कुल ना भूलें, जितना टैप करेंगे इसमें कोई भी एयर नहीं रहेगी और आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से सारा बैटर डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से टैप करें। अब हम इसे डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से किसी भी तीली से या टूथपिक से आप 4 निशान बना दें, फिर उसके बीच में से भी आप इस तरह से निशान बना दें और तीली को हर बार आप साफ़ करके ही निशान बनाएं। मैंने यहाँ इस केक को कढ़ाई में बनाया है और उसे 10 मिनट तक प्री हीट किया है, यानी 10 मिनट पहले से इस कढ़ाई को आप ढककर गर्म कर लें। फिर उसके बाद आप उसके अंदर एक स्टैंड रखें और केक टिन को रख दें और फिर उसे दोबारा से ढक दें। कम से कम 45 से 50 मिनट तक आपको इसे पकाना है और बीच में बिल्कुल भी चेक ना करें। प्री हीट हुए बर्तन में अगर हम केक बनाते हैं तो वो चारों तरफ से अच्छी तरह से बेक होता है और उसका डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है, तो इसलिए प्री हीट करना ज़रूरी है कोई भी केक बनाते समय। तो 50 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे ओपन करती हूँ और देखते हैं ये पका है कि नहीं। तो इसे एक टूथपिक से इस तरह से चेक करें, अगर ये साफ़ निकल रही है तो केक आपका तैयार है। गैस को ऑफ कर दें, इसे बाहर निकाल दें और 15 मिनट तक इसे ठंडा होने के लिए रख दें। 15 मिनट के बाद पहले आप इसे साइड से इस तरह से अलग करें कोई भी चाकू से या कोई भी स्पून से। इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसे इस तरह से पलट दें और थोड़ा सा टैप करें, केक अपने आप निकल जाएगा। तो अगर केक को निकलने में दिक्कत हो तो आप इसे हल्का सा नीचे से गर्म करके भी निकाल सकते हैं। तो केक को मैंने निकाल लिया है, अब हम इसे सीधा करके उसी प्लेट में वापस रख देंगे। तो ये देखिए केक पूरी अच्छी तरह से बना है और इसका डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसा ही है। तो इसे काट कर भी देख लेते हैं ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है।
तो काटते समय आपको पता लग गया होगा कि कितना अच्छा केक तैयार हुआ है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।